हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्वेटिक वीड्स के बारे में। लास्ट क्लास में ही मैंने आपसे डिस्कस किया था बेटा कि फिशरीज का सिलेबस क्या है, एंड उस सिलेबस के अंडर में हम लोग स्टडी करने वाले थे फर्स्ट चैप्टर में एक्वेटिक वीड्स। राइट नाउ एक्वेटिक वीड्स क्या होता है? एक्वेटिक वीड्स आर नथिंग बट अनवॉन्टेड प्लांट्स। ठीक है, एक्वेटिक वीड्स आर नथिंग बट दे आर अनवॉन्टेड प्लांट्स, और इन्हीं अनवॉन्टेड प्लांट्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम किसी फार्मलैंड की बात करते हैं या जब हम किसी खेती की बात कर रहे हैं, सो उस खेती में जरूरी नहीं है कि सिर्फ गेहूं के पेड़ ही लगेंगे या सिर्फ चावल के ही पेड़ लगेंगे, ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है। सो अगर कंपल्शन नहीं है तो उसमें अनवांटेड जो घास निकल कर आती है, जो किसी फार्मर के कोई काम की नहीं होती है, जो कंटिन्यूसली अपरूट करते हुए जाता है, सेम वही चीज यहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट में भी होती है। समझा? एक्वेटिक हैबिटेट में भी होती है। एंड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हमारी गंदगी की वजह से। हम इतना गंदगी फैलाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा फ्रेश वाटर बॉडी जो है वो कंटामिनेटेड कंडीशन में चला गया है। राइट आज कोरोना वायरस का भगवान ने बहुत बड़ा शुक्रिया था, हम लोग अदा करना चाहिए हमको कोरोना वायरस का। क्यों? क्योंकि आज उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो गया है, हम पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई वो बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। ओके, सो ये एक्वेटिक वीड्स के बारे में जानेंगे कि यूजुअली हम लोग बोलते हैं दे आर अनवांटेड प्लांट्स विच आर अनडिजायरेबल, जो किसी एक ऑर्गेनिज्म की या किसी एक फार्मर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? अनवांटेड। नाउ एक्वेटिक वीड्स को क्लासिफाई किया हुआ है दो लोगों ने। ओके, जिस पहला नाम है बिस्वास एंड क्लेडर और दूसरा नाम है लॉरेंस। ओके, दूसरा नाम है लॉरेंस। नाउ बिस्वास और क्लेडर ने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर जोन, प्लांट का एक स्पेसिफिक जोन होता है, जिस तरीके से आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा बेटा कि आपके पास में वेजिटेशन की ग्रोथ होती है और उस ग्रोथ में आपके पास में जो मैक्रो वेजिटेशन प्रेजेंट है उसका एक स्पेसिफिक हाइट के अकॉर्डिंग हम जोनेशन करते हैं, हम उसका स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी बिस्वास और क्लेडर ने पर्टिकुलर जोन निकाला है कि ओशन वाला जोन है या फ्रेश वाटर का जोन है या मार्जिनल जोन है, किस तरीके से जोन रहेगा वाटर बॉडी का। सो इट इज ऑन द पर्टिकुलर जोन ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, सेकेंडली लॉरेंस का क्या कहना है? लॉरेंस ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कि हैबिटेट क्या होता है। राइट नाउ हैबिटेट मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरमेंट में रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। ओके, नाउ इस हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड इस पर्टिकुलर जोन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बिस्वास एंड क्लेडर आपका एक्वेटिक वीड जो है वो चार हिस्सों में क्लासिफाई होता है, जिसमें से पहला दिया हुआ है बॉटम। बॉटम मतलब क्या? वॉटर बॉडी के सबसे नीचे वाला एरिया। सिंपली मैं एक डायग्राम बताती हूं आपको। ओके, अगर ये वॉटर बॉडी है, ठीक है, राइट, अगर ये वॉटर बॉडी है सो इस वॉटर बॉडी पे ये माउंटेनस एरिया है जहां पर प्लांट प्रेजेंट है। दिस विल बी योर मार्जिनल रीजन, राइट, जिसको हम लोग लिमनेटिक जोन भी बोलते हैं। सेकेंड आता है प्रोफंडल जोन। ओके, प्रोफंडल जोन, एंड नेक्स्ट जो लास्ट में आता है दैट इज कॉल्ड एज बेंथिक जोन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? बेंथिक जोन। नाउ ये जो बेंथिक जोन आपके पास अवेलेबल है, यहां पर वॉटर बॉडी में कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचती है। याद रखिएगा मेरा एक स्टेटमेंट कि कभी भी बेंथिक जोन में लाइट नहीं पहुंचती है। सो लाइट नहीं पहुंचती है तो यहां पर जो प्रेजेंट है एक्वेटिक वीड्स या यहाँ पे जो अल्गीज प्रेजेंट है उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है या किस फैक्टर पे ग्रोथ हो रहा है? सो फैक्टर ये आ जाता है कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो रेडिएशन आते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अलावा अल्फा बीटा गामा रेज भी आते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं थ्रू ओजोन लेयर। राइट, जिनका पेनिट्रेशन होता है इन बेंथिक जोन में, इसीलिए यहां पर प्रेजेंट रहने वाली फिशेस, यहां पर प्रेजेंट रहने वाली अल्गीज जो भी होती है, दे आर कलरफुल, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक।
ओके सो बहुत ब्राइट कलर्स के आपको फिशेस और अल्गीज देखने के लिए मिलेंगे। दैट्स वाई लॉरेन बिस्वास ने कहा है कि एक बॉटम टाइप की अल्गी होती है, बॉटम रीजन में प्रेजेंट रहने वाली अल्गी को या जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं उनको हम बॉटम एक्वेटिक वीड कहेंगे। नाउ सबमर्ज रीजन मतलब जो पानी के अंदर में है, दैट मीन्स जो प्रोफोंडल जोन में आपको प्रेजेंट मिलेगी, दे आर कॉल्ड एज सबमर्ज। वाइल यहां पर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में अनअटैच सबमर्ज। अनअटैच सबमर्ज मतलब क्या, जो किसी एक सबस्ट्रेटम को अटैच नहीं है। अब सबस्ट्रेटम मतलब क्या, मान लीजिए एक वुडन लॉग है, ये मेरा हैंड एक मान लीजिए वुडन लॉग है, इस वुडन लॉग को अटैच है कोई एक अलगी, तो ये जो मेरा हैंड रहेगा वो कहलाएगा सबस्ट्रेटम, जिस सबस्ट्रेटम को ये अलगी अटैच रहेगी। राइट ना, यहाँ पे अनअटैच सबमर्ज बोला है मतलब पानी में तैर रही है। राइट पानी में ये तैर रही होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अनअटैच सबमर्ज। वाइल एक आपके पास में लास्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस वेजिटेशन। ओके सरफेस वेजिटेशन मतलब क्या, कि इस वाटर बॉडी के ऊपर में आपके पास अल्गीज प्रेजेंट रहेंगी, सो दे आर कॉल्ड एज सरफेस वेजिटेशन। अब सरफेस वेजिटेशन भी दो टाइप में आ जाता है, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोफाइटोप्लैंकटन। तीन वर्ड्स में इसको डिवाइड करिए, ठीक है, क्या बताया मैंने, माइक्रोफाइटोप्लैंकटन। नाउ दो वर्ड याद रखना चाहिए आपको, एक होता है फाइटोप्लैंकटन और एक होता है जूप्लैंकटन। ओके एक होता है फाइटोप्लैंकटन और एक होता है जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन मतलब क्या, जो कि प्लांट का सबसे छोटा बॉडी मतलब अल्गी से भी सबसे छोटा होता है, दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंकटन विच आर कैरिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वाइल जूप्लैंकटन वो होते हैं जिनके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अवेलेबल नहीं होता है एंड एनिमल किंगडम में सबसे छोटे लेवल पे उनको लिया गया है। राइट माइक्रो, सीधा सीधा वर्ड समझ में आ गया है कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं और वो प्रेजेंट है ऑन द सरफेस एरिया। वाइल मैक्रो वेजिटेशन मतलब क्या, जो थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, एंड वेजिटेटिव पार्ट मतलब पूरे पार्ट को कवर किया हुआ है उन्होंने। आई बात समझ में, सरफेस वेजिटेशन में माइक्रो फाइटोप्लैंकटन एंड माइक्रो वेजिटेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज लॉरेंस। लॉरेंस ने कहा है हैबिटेट के बेसिस पे हमको क्लासिफाई करना है। सो हैबिटेट के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई अलगी, एमर्जेंट। एमर्जेंट मतलब क्या है, जो अभी अभी इमर्ज हुई है या जो दिखाई दे सकती है हमको वाटर बॉडी में। सबमर्ज अभी हमने डिस्कस किया कि सबमर्ज अलगी कौन सी हो जाती है, जो कि किसी एक सबस्ट्रेटम को अटैच होती है या तो किसी एक सबस्ट्रेटम को अटैच नहीं भी हो सकती है, दैट मीन सेंटर रीजन में प्रेजेंट होती है एक्वेटिक में। वाई मार्जिनल, मार्जिनल हैबिटेट क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया था, जो मार्जिन के बेसिस पे रिवर्स होती है, रिवर्स में मार्जिन पे अटैच होती है जो अलगी उनको बोला जाता है मार्जिनल। वाई फिलामेंटस, फिलामेंटस का लाइफ एग्जाम्पल आपके पास में नॉस्टॉग आपके 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। राइट कि फिलामेंटस अलगी कौन सी है, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉग, ये सब फिलामेंटस में आते हैं। स्पायरो वगैरह फिलामेंटस है जो कि आपकी बेनिफिशियल अलगीज है। राइट हम एक्वेटिक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम वेजिटेटिव जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट कैरी कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वाई प्लैंकटॉनिक, अगेन वर्ड वही आ गया जो मैंने आपको यहाँ पर माइटोप्लैंकटन सिखाया था एंड जूप्लैंकटन सिखाया था। राइट प्लैंकटॉनिक मतलब आइदर जूप्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन जो प्रेजेंट रहेंगे, दैट मीन्स विच आर कैरिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड विच डू नॉट कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। राइट सो ऑन द बेसिस ऑफ बिस्वास एंड क्लेडर एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंस, ये दो क्लासिफिकेशन आपके पास में दिए हुए हैं एक्वेटिक वीड्स को लेकर, जिसके ऊपर में आपके टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक वीड्स, जो कि आपको डिफाइन करना है एंड व्हाट आर ऑन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड। ठीक है, सो पहला क्लासिफिकेशन हो गया आपका पर्टिकुलर जोन, सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया आपका हैबिटेट। राइट सो यहां पर एक्वेटिक वीड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कंटेंट। राइट सो स्टे ट्यून्ड रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।